हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ रवा ढोकला। झटपट और आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनेगा। अगर छोटी मोटी भूख के लिए कुछ चाहिए होगा तो आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। रवा ढोकला बनाने के लिए हमने 1 कप बारीक वाला रवा लिया है। आपका रवा अगर मोटा हो तो उसे ग्राइंडर जार में थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, वो बारीक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 कप ही फैटी हुई दही भी ली है। रवा और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स से हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पर लिया हुआ है शुगर, इसे भी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर। 10 मिनट में मेरा रवा जो है अच्छी तरह से फूल जाएगा। इधर मैं दूसरी तैयारियां कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने एक पतीला लिया है, पतीले में 1 ग्लास पानी डाली है और इसमें एक स्टैंड रख देंगे। आपके पास स्टैंड ना हो तो किसी कटोरी को आप पलट करके रख दें और मैं इसे कवर करके गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। इधर हमने एक मोल्ड लिया है जिसमें मैं केक बनाती हूँ, वही वाला टिन है। इसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह से ग्रीस कर दूँगी। आपके पास अगर इस तरह का मोल्ड ना हो तो कोई बड़ा सा कटोरा ले लें या फिर ऊंची दीवार वाली थाली होती है ना, वो ले लें, उसमें भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद हमने रवा को चेक किया, अच्छी तरह से फूल किया है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट। ये थोड़ा सा मोटा सा पेस्ट है, इसे डाल करके मिक्स कर लेंगे। अगर ये पेस्ट डाल करके बनाएंगे तो ढोकले का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर बैटर काफ़ी थिक लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें पानी डाला है। ज़्यादा पानी ना डालें वरना बैटर पतला हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने चेक करके देखा, बैटर बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में है। तो अब ये लास्ट चीज़ इसमें जा रहा है वो है बेकिंग सोडा, जिससे मेरा बैटर जो है वो फर्मेंट होगा। तो हमने बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून पानी डाली है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। ध्यान रखें, बेकिंग सोडा डालने के बाद बैटर को बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। फटाफट से इसे फेंट करके और मोल्ड में डाल देना है। इसीलिए सारी तैयारियां पहले कर लेनी होती है। मोल्ड को भी अच्छे से ग्रीस करके पहले से रख लेना होता है। मैंने सारे बैटर को मोल्ड में रख दिया है, थोड़ा सा टैप टैप कर दिया है। इधर पानी भी गर्म हो गया था तो मैं इसे रख देती हूँ पकने के लिए। तो इसे स्टीम करना है तकरीबन 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में। मैं पहले इसके ऊपर कपड़ा बिछाऊंगी, उसके बाद मैं ढक्कन रखूंगी। अगर ढक्कन डायरेक्ट रख देंगे तो वो भाप बन करके ढक्कन से टकरा करके सीधा गिरेगा ढोकले के ऊपर और ढोकला ऊपर से ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए कपड़ा रख देते हैं, कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है भाप को। इधर मैं तैयारियाँ कर लेती हूँ तड़के के लिए। तो तड़के के लिए हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाला है काला वाला सरसों और इसमें डालेंगे सेसमी सीड्स यानी कि तिल 1 टीस्पून डाल देंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1 पिंच हमने इसमें हींग डाला है और थोड़े से करी पत्ते को हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हरी मिर्च को 20 से स्लाइस करके इस को भी डाल दिया है और इसे थोड़ा सा चटकने देते हैं। इधर तड़का तैयार हो करके मैं रख लूँगी। और यहाँ पर देखिए ढोकला जो है वो मैंने 12 मिनट पकाया, गैस को बंद कर दिया था और इसे बाहर निकाल करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं इसे मोल्ड से बाहर निकाल चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए मोल्ड बिल्कुल साफ़ है और अब इसे मैं चेक करके देख रही थी, बिल्कुल स्पॉन्जी बना है। तो इसे सीधा कर लेते हैं। ये आपको थोड़ा लाल लाल जो दिख रहा है ना, वो बेकिंग सोडा की वजह से है। तो बेकिंग सोडा अगर कहीं पर नहीं अच्छे से फिट पाया तो वो लाल लाल हो जाता है। तो अपने शेप के हिसाब से जैसा भी आप शेप करना चाहते हैं उस तरह का शेप कर लें। यहाँ पर मैंने जो तड़का बना करके रखा था उसको इसके ऊपर डाल देंगे। सारे तड़का को मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा कसा हुआ नारियल है, कच्चा नारियल जो होता है ना वही हमने ग्रेट करके इसको डाल दिया है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। इसे आप ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों की ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं आप सबके लिए और भी अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।